हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज उमंग शुक्ला। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कौन कौन से क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, पर उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्रेडिट कार्ड यूज करना भी चाहिए, क्या क्रेडिट कार्ड अच्छे भी हैं हमारे यूज करने के लिए, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर मेरे पास इतना सारा पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस फुल है, तो मैं क्रेडिट कार्ड को क्यों यूज़ करूँ। आई टेल यू, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता ही तब है जब आप उसका पेमेंट वापस कर सको। जिसका इनकम सोर्स इतना अच्छा नहीं होता है, बैंक उसको क्रेडिट कार्ड देता भी नहीं है। सो फर्स्ट तो ये एलिजिबिलिटी हो गई कि यू नीड टू हैव मनी एंड गुड इनकम सोर्स टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। सो इट्स नॉट अबाउट गुड एंड बैड, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज इट। अगर आप क्रेडिट कार्ड मैनेज कर पा रहे हो, सो यू शुड डेफिनेटली हैव इट। सो हाउ इट वर्क्स, अब क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है। मान लीजिए मेरा बिलिंग साइकिल 1 तारीख से 30 तारीख का है, मैंने 1 तारीख को कुछ खरीदा, उसका बिल मेरा जनरेट होगा 30 तारीख को। अब मुझे उसको बिल पे करने के लिए 15 to 20 days प्लस मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक पॉलिसी। कुछ बैंक 20 दिन का टाइम देती है, कुछ बैंक 15 दिन का टाइम देती है। सो इन टोटल आई हैव 45 to 50 days ऑफ टाइम टू पे फॉर वॉट आई हैव परचेस्ड, जो भी एक्सपेंस मैंने किया है। तो क्या होता है कि आपको प्रॉपर 45 दिन से 50 दिन का क्रेडिट मिल जाता है। अगर आपको किसी चीज़ की नेसेसिटी है और आपके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, सो यू कैन स्वाइप योर क्रेडिट कार्ड एंड गेट दैट थिंग। देन यू हैव 45 to 50 days टू गेट बैक द मनी एंड पेड टू द क्रेडिट कार्ड। उस पर आपको इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। इंटरेस्ट कब लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ हु कैन हैव द क्रेडिट कार्ड। कुछ बैंक्स का एलिजिबिलिटी ये होता है कि यू नीड टू बी 18+, बट मैक्सिमम बैंक्स बोलती हैं यू नीड टू बी 21+ टू हैव अ क्रेडिट कार्ड। सेकंड, आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए। यू शुड बी इन अ जॉब और यू शुड बी इनटू अ बिजनेस। आपके पास प्रॉपर इनकम प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, तो कोई भी आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। सेकंड, यू नीड टू मेंटेन अ गुड ITR। मान लीजिए आपके पास करोड़ों का इनकम आता है, कहीं से आता है, बट ऑल इन कैश, यू डोंट फाइल इनकम टैक्स, तो आपको क्रेडिट कार्ड तो मिल जाएगा, बट आपको उतना अच्छा, इतने एडवांटेजेस वाला क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो जैसे जनरली मेरा जो ITR होता है वो 10 lakh+ का होता है, तो मुझे अच्छे से अच्छा क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। यू नीड टू हैव अ मिनिमम ऑफ 20,000 rupees का अगर आपका इनकम है पर मंथ का, तो उनको क्रेडिट कार्ड इशू कर देता है अपना बैंक। नाउ लेट्स कम ऑन टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डेफिनेटली एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है, बट जो डिसएडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं। सो यू नीड टू बी वेरी वाइज व्हाइल यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस फर्स्ट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि आप जब लोन लेते हो या क्रेडिट लेते हो, तो पिछले लोन्स और क्रेडिट जो आपने लिए हैं वो आपने कितने समय पे लौटाए हैं। सो दैट इज़ अ क्रेडिट स्कोर। जैसे अब मैंने अगर कोई हाउसिंग लोन लिया है, तो मैं कितने बार उसका टाइम पे पेमेंट कर रहा हूँ, EMIs भर रहा हूँ। अगर मैं EMI नहीं टाइम पे भर रहा हूँ, दैट विल रिफ्लेक्ट इन माई क्रेडिट स्कोर। जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर हो, उतना अच्छा आपको लोन भी मिलेगा, उतना अच्छा आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। आई मेंटेन द क्रेडिट स्कोर ऑफ 750 to 800। वो हमारे हाथ में नहीं होता, बट वो हमारी हैबिट पे डिपेंड करता है कि जब हम क्रेडिट कार्ड से को स्वाइप करते हैं या फिर लोन लेते हैं, तो उसकी EMI कितने समय पे उसको देते हैं। सेकेंड एडवांटेज इज, आपको बहुत अच्छे अच्छे कैशबैक और रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। उस रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और कैशबैक से आप अपनी फ्लाइट बुकिंग कर सकते हो, आप कुछ खरीद सकते हो। जनरली मिनिमम 5% का कैशबैक ऑन योर स्पेंड्स आपको पर ईयर मिलता ही है आपके क्रेडिट कार्ड में। आप जितने अच्छे से अच्छा क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, उस पर रिटर्न्स 15 to 20 to 22% तक के भी आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, इफ़ यू मेंटेन द गुड रेपो विद द बैंक। थर्ड, मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड लेते ही हैं एयरपोर्ट लाउंजेस को एक्सप्लोर करने के लिए। आप और हम सब लोग 2 घंटे 3 घंटे पहले इंटरनेशनल ट्रिप या डोमेस्टिक ट्रिप के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। चेक इन के बाद वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। हमें कुछ अगर भूख भी लगती है, तो एयरपोर्ट पे 500-1000 rupees से कम का कुछ नहीं मिलता। बट इफ़ यू हैव अ गुड क्रेडिट कार्ड, आप जाइए लाउंज में, यू स्वाइप देयर, सिर्फ 2 रुपये कटेगा। यू कैन स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देयर जब तक आपका बोर्डिंग चालू नहीं होता। You can eat there, you can rest, you can drink. Only hard drinks are chargeable, rest everything goes for free.
आपका खाना बैठना उठना एवरीथिंग, यू हैव वेरी गुड सोफाज ओवर देयर, आप प्रॉपर वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट एंड एवरीथिंग। सो मोस्टली लोग एयरपोर्ट लाउंजेस के लिए ही क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। एयरपोर्ट लाउंजेस के साथ आपको एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट फैसिलिटी भी मिल जाती है। कई बार आपके पास कोई अगर ओल्ड एज पर्सन आपके साथ जा रहे हैं या फिर आप ही जा रहे हैं, तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड में वो सुविधा है तो वो मीट एंड ग्रीट फैसिलिटी वाले आपको आपके टैक्सी से आपके फ्लाइट तक छोड़ेंगे, आपका चेक इन भी वो लोग करवाएंगे, आपको लाउंज एक्सेस भी वो लोग दिलवाएंगे, आपके लगेज को भी वो लोग ट्रांसफर करवाएंगे और आपको बोर्डिंग तक आपको वहाँ पे छोड़ के आएंगे। सो बहुत ही अच्छा सर्विस रहता है। देन डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड आपको बहुत सारे फ्री मूवी टिकट्स भी मिल जाते हैं पर मंथ। जैसे मेरे क्रेडिट कार्ड पे मुझे 2 टिकट पर मंथ फ्री मिलते हैं बुक माई शो के थ्रू, तो मैं कहीं भी किसी भी हॉल में उस टिकट को बुक कर सकता हूँ, उस पर हमें टैक्स भी नहीं लगता है। क्रेडिट कार्ड्स कैन इजीली बी यूज्ड अब्रॉड क्योंकि इंडियन करेंसी बाहर चलेगी नहीं। डेबिट कार्ड्स कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं, यू विल ऑलवेज हैव टू हैव द फॉरेन करेंसी। पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है यू कैन ऑलवेज स्वाइप देयर, डेफिनेटली चार्जेबल होगा बट यू विल हैव समथिंग टू पे। बहुत सारे और बेनिफिट्स जैसे होते हैं, जिसको गोल्फ का शौक है तो बहुत सारे जो हायर एंड के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उन पे गोल्फ लेसन्स भी आपको फ्री मिल जाते हैं। पेट्रोल पंप पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है, कम से कम 1% का गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ही इसको लागू किया था, और बहुत ही अच्छे अच्छे बेनिफिट्स। नाउ लेट्स ऑल्सो सी द डिसएडवांटेजेस। कोई भी ऐसी चीज जिसके एडवांटेजेस हैं, इट ऑलवेज हैव अ डिसएडवांटेज। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज ओवर स्पेंडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो फाइनेंशियली वाइज नहीं होते हैं, वो हर जगह अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं, दे डोंट कीप अकाउंट कि उन्होंने कैसा कितना पैसा खर्च किया है। समटाइम व्हेन दे ओवर स्पेंड सो बैंक चार्ज देम, उनके वो उनको उस समय नहीं पता चलता, उनकी स्टेटमेंट में आ जाएगा 1500 रुपीज 2000 रुपीज फॉर ओवर स्पेंडिंग। बैंक तो देगा आपको, जैसे मान लीजिए आपका 1,00,000 का लिमिट है, आपने 1,10,000 का फोन खरीद लिया, बैंक आपको 10,000 एक्स्ट्रा दे देगा, बट उस 10,000 रुपए का आपका 50 डेज का इंटरेस्ट भी लेगा और ओवर स्पेंडिंग का चार्ज भी लेगा, दैट विल कॉस्ट यू 3,000 to 4,000 rupees। सेकंड, वी हैव टू पे ऑन टाइम। 30 डेज का बिलिंग साइकिल प्लस 15 या 20 डेज का पेमेंट टाइम रहता है। कई बार लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं रहता, अगर उनके दिमाग से स्लिप हो जाता है तो बैंक उस पे पेनल्टी भी लगाता है और आपसे पूरे 50 डेज का इंटरेस्ट लेता है, प्लस आप जितने और दिन आप पेमेंट नहीं करते हो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज कमिंग फ्री टू यू दैट इज नॉट एट ऑल गुड, एंड ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आर ऑलवेज मेंशनड, आपको बता के ही दिया जाता है। सो द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी लो जाता है। आपने जिस क्रेडिट स्कोर का यूज करके आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो वो भी गिरता है। अगर वो गिरेगा तो आपको आगे लोन्स में या किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आएगी। सो वी हैव टू बी रियली वाइज वाइल यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो 45 to 50 डेज के अंदर, तो बैंक 1.5% से 2% का इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब कई बार हम सोचते हैं, अरे 2%, अरे यार वो तो कैसे भी दे देंगे, 2% इज नॉट इनफ, बट आई टेल यू इट्स नॉट जस्ट 2%। अगर आप इसको पूरे साल से मल्टीप्लाई करोगे, इट्स 2% पर मंथ, विच इज 24% इन अ ईयर। और अगर आपका 1,00,000 का नॉन पेमेंट है, आप 24% 24,000 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। सो बैंक पीपल आर वेरी वाइज, सिर्फ आपको उस 1,00,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका जो इंटरेस्ट बनते जा रहा है एवरी मंथ 12 महीने तक, उस पे भी आपको इंटरेस्ट लगने वाला है। सो इट विल बी मच मोर देन 24,000। सो द नेक्स्ट सेक्शन, शुड यू रियली हैव द क्रेडिट कार्ड? यस, यू शुड हैव इट। इफ यू आर फाइनेंशियली डिसिप्लिन, डेफिनेटली यू शुड हैव इट बिकॉज इट कम्स विद सो मैनी एडवांटेजेस। द सेकेंड थिंग, पीपल हु हैव अ इनकम सोर्स ऑफ 20,000 rupees प्लस पर मंथ, देन ओनली यू शुड हैव अ क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इन दिस, इफ यू हैव अ स्टेबल जॉब देन ओनली, नॉट लाइक कि आपने किसी जॉब को ज्वाइन किया, आप 25,000 का पगार चालू हुआ, बैंक वाले आपके पास आए सैलरी अकाउंट के लिए, सैलरी अकाउंट के साथ उन्होंने आपको क्रेडिट कार्ड भी दे दिया और आपने हंसी खुशी ले भी लिया कि भाई मुझे 45 दिन का फ्री पैसा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आप फंस जाओगे अगर आपकी जॉब स्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, बट क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी पर मंथ सैलरी से ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। देन आपको स्पेंडिंग के टाइम पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नहीं रख पाते हो स्पेंडिंग के टाइम पे अपना ध्यान, आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन नहीं हो और आपका जॉब पर्टिकुलरली स्टेबल नहीं है, आई टेल यू, यू शुड नेवर हैव द क्रेडिट कार्ड। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।